मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज हम पुदीना शिकंजी बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये 6-7 नींबूओं का रस, ये थोड़े से पुदीने के पत्ते और ये अदरक का एक पीस लिया है। ये एक बाउल चीनी है, आधा छोटा चम्मच नमक, थोड़ा सा चाट मसाला लिया। मैंने इन अदरक के टुकड़े और ये पुदीने के पत्ते और चीनी को मिलाकर एक ये पेस्ट बना लिया है। अब हम इस पुदीने और पानी के चीनी के पेस्ट को इस 1.5 गिलास पानी में हम मिलाएंगे इसको। ये नमक भी डाल देंगे इसमें सारा, ये चाट मसाला, ये नींबू का रस, ये सब कुछ डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये आपकी बिल्कुल रेडी है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकती हैं। ये जो मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है, इसको हम एक आइस ट्रे में डालकर फ्रीज कर लेंगे। चलिए इसको आइस ट्रे में डाल लेते हैं हम। आप 2 आइस ट्रे इस तरह की तैयार कर सकती हैं और इनको फ्रीज करके रख सकती हूँ। ये देखिए, ये 6-7 घंटे के बाद हमारी इस तरह से ये तैयार हो जाएगी। अब शिकंजी बनाने के लिए हमें इसमें से 3-4 आइस क्यूब्स ले लेने हैं। एक ग्लास के लिए 3 या 4 आइस क्यूब्स बहुत हैं। इनमें अब हम पानी ऐड कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे। आपकी ये पुदीना शिकंजी बिल्कुल रेडी है। इसको नींबू के स्लाइस और पुदीने की पत्ती से गार्निश कर लेंगे और हल्का सा चाट मसाला और ऊपर से ऐड कर सकते हैं। और ये गर्मियों का एक बहुत बढ़िया ड्रिंक आपका रेडी है। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।